हेलो गाइस इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एन सी आर टी के एग्जाम्पलर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटी के, के जो कंबाइंड चैप्टर हों एन सी आर टी में अपने गिवन है उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पलर है वो हम डिस्कस करेंगे तो कुछ कुछ कंसेप्चुअल इसमें चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस चीज़ों को देखना तो स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है देखो कैपेसिटर है अपने सर्किट में और रेजिस्टेंस भी गिवन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कैपैसिटर बैटरीज जीरो पॉइंट फाइव ओम देखो यहीं पर इसने क्वेश्चन को घुमा दिया इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द बैटरीज ये दे रखा है इसका कोई ना कोई यूज होगा यहाँ पे इस तरीके से यूज होगा देखते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स विल बी ये चार्ज जब भी पूछता है आपसे कैपेसिटर में अगर कुछ नहीं गिवन है टाइम के बारे में इसका मतलब स्टडी स्टेट की बात कर रहा है तो स्टडी स्टेट में क्या होगा बेटा ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा ये फुल्ली चार्ज होते हैं इधर से करंट फ्लो होना आपको बंद हो जाएगा आई बराबर कितना हो जाएगा? हो जाएगा? जो भी बैटरी है, ये बस इतना रह जाएगा। जीरो इस है इसका इंटरनल इस ठीक है और एक इसके साथ दूसरा लगा टू ओम अब कैपेसिटर पे चार्ज का इससे क्या रिलेशन देखो कैपेसिटर पे चार्ज आप क्या लिखते हो इक्वल्स टू सी इन टू वी या फिर सी इंटू डेल्टा वी वाट इज डेल्टा वी इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस कैपेसिटर 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 ठीक है अब देखो कैपेसिटर का एक टर्मिनल पे रेड से कर देता हूं एक यहां पे और एक यहां पे इसमें करंट फ्लो होगा नहीं तो इसके अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं तो यू मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा अच्छा करंट फ्लो करता तो अलग होता है क्योंकि यहाँ पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होता बट इस वाले ए बी वाले जो आम है उसमें कोई करंट नहीं है अब देखो करंट किधर जाएगा इधर जाएगा पूरा का पूरा जो भी आई अब अगर ये पॉइंट ए है तो देखो इसके नीचे ये वाला पॉइंट भी ए है और ये वाला पॉइंट भी क्या है ये पॉइंट हो जाएगा बी आपका यानी इस सर्किट की अगर बात करें तो ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है तो सिंपली यहाँ पर जो डेल्टा भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो ए और बी पॉइंट के क्रॉस होगा बेटा अगर आई करंट फ्लो करेगा यू इसमें ए तो और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बैटरी का ई एम एफ इन टू आई इन टू उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है आई कितना हो जाएगा इस वाले केस में आई इक्वल्स टू बैटरी का देखो ई एम एफ दे रखा है नेट नेट कितना हो जाएगा एक तो टू ये रहा और जीरो पॉइंट फाइव ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है तो टू प्लस जीरो पॉइंट फाइव यानी कितना आ जाएगा ये वन एम आ जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से कितना आ बैटरी का यूएमएफ जीरो माइनस आई की वैल्यू फन और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कितना जीरो पॉइंट फाइव कितना बेटा टू वोल्ट आ गया पुट कर दो यहाँ पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा क्यू इक्वल्स टू सी फोर म्यू एफ इन टू वी टू वोल्ट कितना आ जाएगा ये एट कोलाम क्लियर है अगर यहाँ पर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता बैटरी का जो ई एम एफ है वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का काम करता बट बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ ड्रॉप एक्स्ट्रा हो जाएगा तो बैटरी का जो पूरा ई एम एफ होगा है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर टू ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज अगर मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया पॉजिटिव चार्ज कित पे फोर्स किधर लगता है बेटा फोर्स लगता है इधर एफ इक्वल्स टू यू इन टू ईर नेगेटिव को भी ले सकते हो आप पॉजिटिव भी ले सकते हो होगा क्या ये ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है हमेशा हायर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के आप क्या लिखते हो क्यू इंटू डेल्टा वी या वी बेसिकली चेंज इन एनर्जी लिखते हो या चलो ठीक है क्यू इन वी लिख लो आप अब ये यहाँ पर कोई पोटेंशियल होगा ये जाएगा इधर राइट साइड में तो लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है मतलब इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी तो डिक्रीज हो जाएगी या फिर आप यूँ समझ लीजिए ये जो चार्ज है बेटा ये हमेशा अप्लीकेबल है यही चीज़ अपन पढ़ते हैं एनलम वर्क पावर एनर्जी में जब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ये चार्ज आपका ये फ्री है मूवमेंट के लिए और जब भी फ्री होता है कोई मूवमेंट के लिए चार्ज हो मास हो कोई भी हो वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाता है स्टेबिलिटी जहाँ पर मिले स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है जब उसके पोटेंशियल एनर्जी कम होती है जहाँ तो पर जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहाँ पर मैक्ममम स्टेबिलिटी होती है तो स्टेबिलिटी के लिए जाएगा और हमें पता किधर जाएगा राइट साइड में जाएगा मतलब राइट साइड में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी ठीक है लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा स्टेबिलिटी गेन करने की दूसरा आप यू समझ सकते हो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्या होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है okay? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें देखो तीन सिचुएशन गिवन है और तीनों सिचुएशन में वगडन पूछे एक चार्ज को ले जाने के लिए तो वगडन देखो सिंपली आपका पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा अगर चार्ज सेम है वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा चार्ज इंटू डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस अब देखो इस वाले सिचुएशन में ट्वेंटी वोल्ट से आप कहाँ लेके गए फोर्टी वोल्ट पे डेल्टा वी आपका कितना हो गया ट्वेंटी वोल्ट इस वाले केस में कहाँ ले गए ये देखो ट्वेंटी वोल्ट से अगेन फोर्टी वोल्ट पे यहाँ पर भी डेल्टा वी कितना हो गया इस केस में ट्वेंटी वोल्ट इस वाले में कहाँ से कहाँ ले गए ट्वेंटी टू फोर्टी अगेन ट्वेंटी टू फोर्टी इसमें भी डेल्टा वी कितना हो गया ट्वेंटी वोल्ट

अब देखो स्टेटमेंट नंबर वन दे रखा है एनी पॉइंट इनसाइड द स्पीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो अब देखो इसकी सरफेस पे हंड्रेड वोल्ट पोटेंशियल है इसका मतलब ये हो गया कि भाई किसी कि अगर अगर अंदर को चार्ज नहीं होता है अंदर को चार्ज क्यों नहीं होता है तो पोटेंशियल आपका क्या रहेगा सेम रहेगा तो इसने बोला है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्पीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो अब डिपेंड करता है देखो आप अंदर चार्ज रखते हो या नहीं रखते हो अगर अंदर चार्ज रखते हो तो कंडक्टर की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा बट अगर अंदर चार्ज रखा हुआ है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जीरो नहीं बोल सकते कि अंदर वाला चार्ज है उसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप ठीक है स्टेटमेंट टू दे रखा है तो ये मस्ट वाली कंडीशन नहीं है ना हो सकता है अगर अंदर चार्ज ना हो तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी बट अगर अंदर कोई पॉइंट चार्ज आपने रखा हुआ है तब मुश्किल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कंडक्टर की वजह से नहीं आएगा बट एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट अगेन वही बात है अगर अंदर चार्ज नहीं है तो ही आप ये चीज बोल सकते हो ठीक है चलो आगे चलते हैं अब इसमें अगर आप मान वैसे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यूं ही मान के चलोगे q इ इक्वल टू 0 बेटा क्यों इन इक्व जीरो क्योंकि अदरवाइज तो कोई स्टेटमेंट आपका मैच ही नहीं करेगा मे वाली कंडीशन हो जाएगी तो क्यों इन अगर आप जीरो करते हो तो मान लो कि भाई अंदर कोई चार्ज नहीं है कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल आपका क्या रहेगा पोटेंशियल सेम रहेगा क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वो है क्या होता है अंदर जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है है क्योंकि ई e को आप यूँ तो लिखते हो माइनस का डी वी बाई डी आर अगर ये कॉन्स्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर फाइव इक्वी पोटेंशियल्स एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेज वूज टोटल सम इज नोट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली भाई कलेक्शन ऑफ चार्ज है कलेक्शन ऑफ चार्ज यानी बहुत सारे चार्ज आपने रख रखे हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री इससे अगर आप एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पर आप देखोगे तो इनको एक कंबाइंड चार्ज हम मान सकते हैं क्यू नेट और एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस आती है वो कैसे आती है अब देखो इक्वी पोटेंशियल आप कैसे बनाओगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा इज़ परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस आप यूँ देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यू होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में एक ऐसी जिसके परुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा स्पीयर बनेगा क्योंकि

अब सीरीज में देखते ही आप दिमाग में क्या आएगा ए वन बाई के इक्वेल इक्वल्स टू वन बाई सॉरी सी इक्वेल इक्वल्स टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू बट आपको सी नहीं पूछे आपको क्या पूछा पूछे के इक्वेलेंट पूछे कोई दिक्कत नहीं इस वन बाई सी को क्या लिख लो वन बाई सी को लिख लो वन बाई ए क्योंकि जब डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है तब आपका सी कितना हो जाता है या सी डाइस इक्वल्स टू कितना हो जाता है के इन टू सी ठीक है या फिर यू लिख सकते हो सी डाइस इक्वल्स टू के बाई डी तो अब नेट आप अगर ले रहे हो इसका तो डी कितना हो जाएगा डी वन प्लस डी टू और वो डिवाइड में ना के ऊपर लिख दो आप इसको डी वन प्लस डी टू क्योंकि अल्टीमेटली वो ऊपर चला ही जाएगा जगह क्या लिख दो ए वन अब नोट ए अब देखो एरिया सबके लिए सेम है ये वाली प्लेट का एरिया जो है सी वन के लिए भी वही होगा सी टू के लिए भी वही होगा और जब आप नेट निकालोगे तो भी क्या होगा सेम ही होगा तो ए सबके लिए क्या है आपका सेम है ठीक है तो डिवाइडेड बाय डी वन तो डी वन बेटा ऊपर चला जाएगा प्लस वन बाई ए टू नोट ए इंटू डी ऊपर चला जाएगा देखो तब में अब साइलेंट नोट ए आके काट जाएगा ये क्या बन जाएगा देखो यू बन जाएगा वन बाई और तो डी वन प्लस डी टू डिवाइडेड बाई के इक्वल्स टू डी वन बाई के वन प्लस डी टू बाई के टू यहाँ से आप क्या लिख सकते हो देखो इसको यू लिख लो के वन के टू ऊपर क्या आ जाएगा के टू डी वन प्लस के वन डी टू इधर क्या आ जाएगा आपका डी वन प्लस डी टू डिड बाई के यहां से K क्या लिख सकते हो उल्टा कर दो दोनों साइड के इक्वस्ट हो जाएगा K1, K2. में ठीक है इसके ऑप्शन में थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना इसको आप यू कर लेना के टू डी वन इंटू के टू Uh, K1, D2. K1, D2. ये वाला करेक्ट हो जाएगा ठीक है थोड़ा सा ऑप्शन को देख लेना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवन कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड पोटेंशियल इज ए कॉन्स्टेंट हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के परपेंडिकुलर होता है अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका ई इक्वल्स टू किधर है जेड तो कैप के लोग तो जेड कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है सारी के सारे में या फिर यूँ देख लो कि जेड डायरेक्शन जो है जेड कैप जो है वो किसके परपेंडिकुलर है ये एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एक्स वाई प्लेन के वाई कैप किसके परपेंडिकुलर है ये एक्स जेड प्लेन के एक्स कैप किसके परपेंडिकुलर है ये आपका वाई जेड प्लेन के ठीक है आंसर क्या हो जाएगा ऑन द एक्स प्लेन और गिवन जेड ठीक है जेड कॉन्स्टेंट हमें रखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है पहली बात तो जहां पर पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है किस तरीके से वो है उनके बीच के डिस्टेंस के बारे में बोल रखा है रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू द रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज है उसमें क्लोजर होंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो लोअर है उसमें वो दूर होंगी देखो यू ही तो लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यू कनेक्ट करते हो इक्वल्स टू माइनस का डीवी वी बाई DR. यहां से बेटा यू लिख सकते हैं डी वीवल्स टू माइनस का ई डी आर या डेल्टा इंटीग्रेशन आप कर सकते हो माइनस का ई इंटू डी सपोज दैट ई यूनिफॉर्म है तो आप क्या लिख दो माइनस का ई इन डेल्टा आर समझने के लिए ले रहे हैं हम ये वाला ठीक है अब देखो डेल्टा आर बेटा आप फिक्स कर दो डेल्टा आर इक्वल टू सपोज दैट आपने वन कर दिया डेल्टा आर फिक्स कर दो अब क्या करो डेल्टा वी को चेक करो तो डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा ई के बराबर ही हो जाएगा डेल्टा आर वन फिक्स करते हैं अब जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हायर होगा वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो आपकी क्या होगी भाई यहाँ एक बार तो क्या होगा जैसे मान लो मैं फिक्स कर दिया मैंने डेल्टा आर ये टेन वोल्ट है या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई वन और यहाँ पर यह ट्वेंटी वोल्ट की आ गई ठीक है और दूसरी बार मैंने क्या किया ई टू को थोड़ा लोअर रखा तो ये टेन वोल्ट तो यहाँ पर सरफेस मान लो फिफ्टीन वोल्ट बन गई ई टू इस केस में ये तो लिखोगे ई टू इज लेस देन ई वन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखो यहाँ पर कितनी इक्वी पोटेंशियल सर्फेस बनेगी अगर वन वन वोल्टेज का लेते हो तो टोटल टेन बनेगी टेन टू ट्वेंटी यहाँ कितनी बनेगी फाइव बनेगी तो यहाँ पर देखो क्लोजर है ना इक्वी पोटेंशियल सर्फेस और यहाँ पर इनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम था ठीक है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई था ज़्यादा था इक्वि पोटेंशियल सर्फेस नजदीक नज़दीक थी ठीक है तरीके से आप रिलेट कर सकते चलते आगे क्वेश्चन नंबर नाइन डन टू मूव चार्ज आलो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस इक्वी पोटेंशियल सर्फेस मतलब पोटेंशियल सेम और जब पोटेंशियल सेम रहता है तो बेटा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी और वर्क डन आपका कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा देखते टिक कर दो कि आंसर क्या है जीरो है क्वेश्चन नंबर इन ए रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल कॉन्स्टेंट पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा देखो तो ई को, e को हम क्या लिखते हैं ईक्वल्स टू माइनस का डी वी बाई डी आर अब अगर आपका वी कॉन्स्टेंट है बेटा उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो ई e हमेशा कितना हो जाएगा जीरो जब भी वी कॉन्स्टेंट होगा ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जीरो अब दिमाग में आता है सर वी तो कॉन्स्टेंट इक्वीपोटेंशियल सर्फेस पर भी होता है वहाँ ई e जीरो क्यों नहीं होता वो देखो जैसे मान लो ये वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेस है अभी सरफेस के अलोंग आप मूव करोगे ना तब आपको ई e जीरो मिलेगा बट जो भी ई e मिलेगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलता है क्योंकि इस केस में अब मूव करोगे तभी तो इक्विपोटेंशियल है कि नहीं चेक करना पड़ेगा अब मूव इस सरफेस के अलोंग ही कर सकते हो ना जैसे आप इस सरफेस के परपेंडिकुलर मूव करोगे उस केस में क्या होगा आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है ना चेंज पोटेंशियल होते इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग नहीं मूव कर रहे हो जैसे आप इसके बाहर की तरफ मूव करोगे पोटेंशियल आपका चेंज हो जाएगा और जब तक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के ऊपर मूव कर रहे हो तब तक आपका पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा उसके इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा जीरो ओपन सर्किट तो था एवन को अगर आपने क्लोज किया बेटा तो ये फुल चार्ज हो जाएगा और इस चार्ज आपका कितना क्यूक्स टू सी वन इन टू ठीक है ये इस पे चार्ज आ जाएगा Q इक्वल्स टू सी वन इंटू अब आपने इसको ओपन कर दिया ओपन कर दिया ओपन करते ही आपके पास दो कैपेसिटर बच गए में इस तरीके से यो, ये C1 है और ये C2 अच्छा इस पे Q इनिशियल कितना था ये K2 टू क्लोज करते ही ये था C1 वन इन e. अब होगा क्या इस पे जो चार्ज है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे और इस पे अब देखो मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज था इस पर नेगेटिव चार्ज था इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था कितना प्लस का सीवन इन टू ही ये सिर्फ और सिर्फ इस प्लेट पे जा सकता है इस वाले प्लेट पे नहीं जा सकता क्यों क्योंकि तो यहाँ पर स्पेसिंग है तो कभी भी चार्ज जो होता है वो कैपेसिटर को यूँ नहीं जाता कि भाई इस पर जैसे मान लो इस चार्ज को चार्ज इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा हूँ ये डाउट आता है बच्चों को सर ये चार्ज था इनिशियली चार्ज नहीं थी तो यहाँ से प्लेट से चार्ज निकला और यहाँ पहुँच गया ऐसा नहीं होता बेटा जाएगा तो इस वाली प्लेट ए से बी पर बी पर यूँ नहीं कि इस कैपेसिटर के बीच से जाएगा वो क्या करेगा इनिशियली न्यूट्रल थी यहाँ से बेटा देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के थ्रू होते हुए इस प्लेट पे पहुंचेंगे डायरेक्ट चार्ज ट्रांसफर नहीं होता कभी भी वो इस सर्किट को लेते हुए कुछ यूँ यहाँ से चार्ज निकलते हुए जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाके इस बैटरी के थ्रू यूँ जाके इस वाले बी प्लेट पे आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ बट यहाँ तो बैटरी है ही नहीं कोई वायर ऐसा है ही तो इन दोनों प्लेट को ले लो इसकी एक तो इसकी ये वाली प्लेट मैं रेड से कर रहा हूं देखो सी वन की ये वाली प्लेट और सी टू की रीडिस्ट्रीब्यूट होकर चार्ज हो जाता है क्यू वन डैश इस पे आपका हो जाता है क्यू टू डैश अब ये टोटल पहले चार्ज कितना था इन दोनों प्लेट पे मिला के ये था Q और जो कि कितना था C1 वन इन e. बाद में कितना है Q1 वन डैश प्लस क्यू टू डैश ये दोनों एक मिला के इसके इक्वल होंगे क्यों क्योंकि भाई चार्ज और कहीं जा ही नहीं सकता इन्हीं दो प्लेट पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ठीक है खत्म नहीं किया जा सकता उसको दूसरी चीज देखो जब भी ये इक्लिब्रम में पहुंच जाएंगे या फिर स्टडी स्टेट में पहुंच जाएंगे बेटा तब क्या होगा चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा और चार्ज का फ्लो होना कब बंद होता है जब पो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो जाए यानी इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही कितने किसके अक्रॉस हो जाए सी टू के अक्रॉस हो जाए तो जैसे स्टडी स्टेट पहुंचेगी सपोज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी वन है, उतना ही वी टू इसके अक्रॉस होना चाहिए यानी ये जो प्लेट ये वाली प्लेट है सी वन की जितने पोटेंशियल पे उतनी ही पोटेंशियल पे ये वाली पहुंच जाएगी ठीक है इस केस में आपका चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा और जितना भी चार्ज ट्रांसफर होगा टोटल दोनों प्लेटों पर मिला के इनिशियली चार्ज के बराबर होगा आप तो दो चीजें लगा सकते हो एक तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा कैपेसिटर का दूसरा कि इनिशियल जितना चार्ज था वो फाइनल चार्ज के आपके बराबर होगा कंजर्व रहेगा वो कहीं जा नहीं सकता ट्रांसफर नहीं हो सकता क्लियर है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन देखो इफ ए कंडक्टर हैज ए पोटेंशियल वी नॉट इक्वल्स टू जीरो देर आर नो चार्जेस एनी एल्स आउटसाइड अपने पास एक कंडक्टर है इसके ऊपर पोटेंशियल बेटा वी है और बाहर कोई चार्ज नहीं है to क्या है जीरो यानी बाहर चार्ज नहीं है तो बाहर वाले किसी भी चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल नहीं आएगा तो और देखो बेसिकली यहाँ पे आता पोटेंशियल किस किस की वजह से तीन चार्ज की वजह से आ सकता है एक तो क्यू आउटसाइड जो होता है एक क्यू सरफेस पे जो होता है और एक क्यू इन जो होता है तीन ही तो जगह हो सकता है चार्ज ये वाला तो आपका जीरो है बट यहाँ पोटेंशियल है पोटेंशियल है इसका मतलब कोई ना कोई या तो इसके सरफेस पे चार्ज है या फिर इसके अंदर चार्ज है सीधी सी बात है आपको यू बोल देता कि क्यू इन भी जीरो है क्यू इन और क्यू आउट दोनों जीरो उसके इसमें क्या जाता कि देर मस्ट बी चार्ज ऑन सरफेस और यू बोल देता कि क्यू आउट जीरो नहीं है हो भी सकता है तो फिर आप तीनों कंडीशन लगाते कि क्यू आउट की वजह से भी हो सकता है क्यू तो सरफेस की वजह से भी हो सकता है और क्यू इन की वजह से भी हो सकता है तीनों की वजह से, से पोटेंशियल यहाँ पर आता नेट पोटेंशियल जो भी होगा वो नॉट इक्वल्स टू क्लियर है मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इन साइड सेल्फ बिल्कुल सही बात है या तो सरफेस पे होना चाहिए या अंदर होना चाहिए दोनों जगह भी हो सकता है ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी शोन इन द फिगर टू सिचुएशन अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं क्या चीज कॉन्स्टेंट करना के इज केप्ट एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर मूव्ड अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग एंडल देखो बेटा ये आपका इस तरीके से ये बैटरी है ये की है क्लोज कर दिया आपने और ये कैपेसिटर है जैसे ही आप क्लोज करोगे इसका पोटेंशियल ई e है माइनस प्लस और ये सी सी चेंज हो सकता है कोई दिक्कत नहीं जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे इस पूरे सर्किट में मुझे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो मिलना चाहिए कितना मिलना चाहिए जीरो मिलना चाहिए तो इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है कितना ई ई एम एफ के बराबर उतना ही इसके अक्रॉस होना चाहिए किसी भी इंस्टेंट पे अभी तो ओवरऑल आप सर्किट में घूम के आओगे तो किच ऑफ तभी तो अप्लीकेबल होगा कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो चाहिए जितना बैटरी के अक्रॉस गेन हुआ उतना ड्रॉप होना चाहिए सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जितना बैटरी का ई एम एफ है अब आप इसके साथ से कुछ भी खिलवाड़ करो इसके प्लेट्स को दूर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं वी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा डेल्टा वी क्या रहेगा सेम रहेगा सर व्हाट अबाउट चार्ज अच्छा चार्ज को बेटा क्या लिखते हो सी इन टू डेल्टा वी ये तो सेम है तो सी जिस तरीके से चेंज होगा वैसे ही आपका क्यों चेंज हो जाएगा अब आप अगर प्लेट्स को दूर ले जाते हो बेटा उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है और सी आप क्या लिखते हो अब सले नोट ई डिवाइडेड बाई डी अगर आप इसको इंक्रीज कर दे तो सी क्या घटेगा सी घटेगा तो आपका चार्ज भी क्या होगा घटेगा सी घटेगा तो चार्ज भी घटेगा तो चार्ज के बारे में पूछ लेता तो आप क्या बोलते है? कि जैसे प्लेट को आप दूर ले जाओगे पोटेंशियल सेम रहेगा बट कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो इसका चार्ज डिक्रीज होगा ठीक है अगर क्लोज लाते तो क्या होता है क्लोज लाते तो आपका कैपेसिटेंस अगर डी को डिक्रीज करते तो सी इंक्रीज होता सी इंक्रीज होता तो चार्ज क्या होता इंक्रीज होता डेल्टा भी तो इस बार भी क्या रहता कॉन्स्टेंट रहता है सेम रहता

जैसे हमने कलेक्ट कर रखा था इस पर कोई ना कोई चार्ज इसने गेन कर लिया मान लो वो क्यों नोट चार्ज इसने गेन कर लिया अब बैटरी हटा दी हमने सिर्फ कैपेसिटर बच गया अगर ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का क्यों नोट और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का क्यों नोट अब इस प्लेट पे चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज तब होगा ना जब आप इस चार्ज को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई रास्ता दोगे आपने इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा और इसके बीच के डिस्टेंस क्या कर दी इंक्रीज़ कर दी मूविंग अपार्ट इसके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी इंक्रीज कर दी डिस्टेंस बेटा इंक्रीज करोगे तो आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा बट चार्ज के मूवमेंट के लिए कहीं पे जगह ही नहीं है चार्ज कहाँ से मूव करेगा जितना चार्ज प्लेट पे उतना ही रह पाएगा अब पोटेंशियल वाला कोई फंडा नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट रह जाएगा इन दोनों के बीच कोई दिक्कत नहीं है बट इनका चार्ज है वो कॉन्स्टेंट रहेगा तो चार्ज क्या रहेगा आपका कॉन्सटेंट रहेगा चार्ज क्या रहेगा कॉन्सटेंट तो क्यों बराबर आप क्या लिखते हो सी डेल्टा भी ये सेम है अब आपका सी डिक्रीज हो रहा है सी डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा भी आपका क्या होगा इंक्रीज होगा

i hope you're clear that was it thank you thank you very much